ਬਾਜਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ 550ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਬਗੈਰ ਕਹੇ ਖਿੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਵਾਂਟ जादू की जफी काम कर गई। नवजोत सिंह सिद्धू की जफी डिप्लोमेसी का कमाल। पाकिस्तान ने करतारपुर बॉर्डर खोलने के इंतजाम किए तो भारत भी करतारपुर बॉर्डर खोलने के लिए रजामंद हो गया। पाकिस्तान की तजवीज मोदी सरकार ने मान ली। भारतीय दफ्तर खारजा का पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को शुक्रिया का खत। वजीर आजम इमरान खान 28 नवम्बर को करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखेंगे। ख्वाहिश पूरी होने पर सिद्धू का दिल बाग बाग। साबिक भारतीय क्रिकेटर का बॉर्डर खोलने का खैर मकदम। उधर मोदी की काबीना ने भी सरहद खोलने की मंजूरी दे दी। भारत पाकिस्तान की सरहद तक अपनी हदूद में सिख यात्रियों के लिए सड़क तामीर करेगा। सिख यात्री बराह रास्त बाबा गुरु नानक के मजार तक पहुँच सकेंगे। भारतीय पंजाब के वजीर आला का दोनों ममालिक की हुकूमतों का शुक्रिया। चिकन के बारे में बहुत बड़ी खबर। अमरीकी इदारे ने आंखें खोल दी। चिकन खाने से कैंसर हो सकता है, अमरीकी इदारे की रिपोर्ट। चिकन ज्यादा खाने से जिगर, गुर्दों और जिल्द का कैंसर हो सकता है, FDA। सबसे ज्यादा खतरा चिकन की कलेजी खाने से है। अमरीकी चीफ जस्टिस और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान लफ्जी जंग शुरू। ट्रंप ने चीफ जस्टिस को ओबामा जज करार दे दिया। हमारे यहाँ कोई ओबामा जज या ट्रंप जज नहीं, अमरीकी चीफ जस्टिस का जवाब। कहा, हमारे पास गैर मामूली अज़्म के हामिल जजेस हैं। चीन में कार स्कूल के बच्चों पर चढ़ दौड़ी। हादसे में 5 बच्चे हलाक जबकि 18 जख्मी हो गए। वाकया शिमाल मशरकी चीनी सूबे लियाओनिंग में पेश आया। जमाल खाशिगई के कत्ल का हुक्म सऊदी वलीअहद ने दिया था, तुर्क अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक CIA के पास मोहम्मद बिन सलमान की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। खाशिगी कत्ल और यमनी तनाज़ा। डेनमार्क ने सऊदी अरब के लिए हथियारों की बरामद रोक ली। डेनमार्क ऐसा मवाद फरोख्त नहीं करेगा जिसका अस्करी इस्तेमाल मुमकिन हो, वजीर खारजा का बयान। सऊदी वलीअहद पर तनकीद, रियाद हुकूमत के लिए सुर्ख लकीर हो गई। वजीर खारजा ने आदल अलजबेर ने बता दिया। कहा, फरमा रवा और वलीअहद के बारे में तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सऊदी हुक्मरान खानदान में मोहम्मद बिन सलमान की मुखालफत के आसार नजर आने लगे। अल सऊद खानदान के दर्जनों शहजादे जानशीनी की कतार में तब्दीली के ख्वाहिशमंद। बरतानवी वजीर आजम थ्रेसा मे कहती हैं कि ब्रेक्जिट मुआहिदा बरतानिया के लिए बिल्कुल ठीक है। बरतानवी अवाम इस मामले को हल करना चाहते हैं। ईरान, बरतानिया, सल्वानिया, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड सियाहत के लिए महफूज तरीन ममालिक करार। जबकि शाम, यमन, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और कुछ अफ्रीकी ममालिक को खतरनाक करार दे दिया गया। तुर्की में नाकाम बगावत के इल्जाम में 74 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इन अफराद पर 2016 में सदर तैयब रजब उर्दवान की हुकूमत का तख्ता उलटने का इल्जाम था। तबलीग के लिए जाने वाले अमरीकी शहरी को भारत के करीब वाके जंगली कबीले ने कत्ल कर दिया। एन एलन चाओ भारत में सियाहती वीजे पर आए थे। अमरीकी रियासत में नस्ल परस्ती सर चढ़कर बोलने लगी। फास्ट फूड शॉप में सफेद फार्म की 4 अफ्रीकी मुसलमान लड़कियों को हिरासा करने की कोशिश। लड़कियों की मजाहमत पर सफेद फार्म ने बंदूक तान ली। पंद्रह रोज गुजरने के बावजूद कैलिफोर्निया की आग पर काबू ना पाया जा सका, अमरीकी मीडिया का दावा। जबकि अमरीकी हुकाम का कहना है की आग बुझा दी गई है।
व्हाट्सएप वीडियोस को होम स्क्रीन से देखने के लिए नया फीचर जल्द दस्तियाब होगा। सारफीन वीडियोस को लॉक स्क्रीन या होम स्क्रीन से ही देख सकेंगे। मलेशिया की खातून अव्वल भी इमरान खान की मदाह निकली। क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ? मलेशियन खातून अव्वल का कप्तान से मुकालमा। अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे शुरू हो गया। थैंक्स गिविंग के त्यौहार में हुदूद से तजावुज की जाती है। थैंक्स गिविंग के दिन शहरी बड़े बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिका में 10 अफराद के थैंक्स गिविंग के खाने पर 48.90 डॉलर खर्च आएगा। मिस्र के सहरा अलेक्जेंड्रिया में उकाबों का दिन मनाया गया। उकाब से मोहब्बत करने वाले इंसान सहरा में उकाबों से हमदर्दी जताते नजर आए। फुर्ती हो तो ऐसी, पांव और रस्सी के दरमियान उछल कूद के मुकाबले में चीनी फुर्तीले लड़के के पांव फाते रहे। लंदन में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज हो गया। पूरा लंदन लाइट फेस्टिवल से जगमगा उठा। तकरीबात 5 जनवरी तक जारी रहेंगी। पेरिस में मारूफ पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। नुमाइश देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद की आमद। रणबीर और दीपिका का बेंगलोर में इस्तकबालिया। फिल्मी सितारों ने जोड़े को मुबारकबादें दी। दीपिका और रणबीर सिंह की शादी रवा माह 15 तारीख को इटली में हुई थी।